नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बोन समय फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों काफ़ी क्वेरी आती है कि एलोवेरा के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। एक मुंबई से दोस्त है, उन्होंने क्या लास्ट वीक ही जो एक एलोवेरा वो लेके आए थे कहीं से, तो उनको पोर्ट करना था, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पोर्ट करना है, कैसे सॉइल यूज़ करना है, तो उन्होंने क्वेरी की थी, तो मैंने उनको बताया था। फिर मैंने सोचा यार इस पर एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टॉपिक पर एक वीडियो नहीं था। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर कि एलोवेरा को हम कैसे लगाते हैं, अगर आप नर्सरी से लेके आते हैं तो उसको कैसे लगाना चाहिए गमले के अंदर। और मेरे जो एलोवेरा मैं लेके आया हूँ इसके अंदर जो है बेबी प्लांट्स भी है, तो उनको भी कैसे डिवाइड करें वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कैसा इसका सोइल लें, धूप में रखें इसको, कहाँ रखें, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे, ताकि आप भी अपने जो एलोवेरा की अच्छे से देखभाल कर सके। देखिए एलोवेरा जो है एक मेडिकिनल प्लांट है, आपने देखा हो काफ़ी बीमारियों में इसका यूज़ होता है, काफ़ी जगह एलोवेरा यूज़ होता है। जैसे एलोवेरा का जो जेल आपने देखा हो चेहरे पे लगाने के लिए, इसका जो जूस है वो पिया जाता है, जिससे काफ़ी रोग ख़त्म होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लांट है, आप सबके पास जो है एक प्लांट तो आई थिंक होना चाहिए सभी के पास। और ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो इसे सकुलेंट प्लांट की तरह जो है इसकी केयर की जरूरत होती है। इस पौधे में जो है सॉइल और पानी का जो है खास ध्यान रखना होता है, बाकी इसकी ज़्यादा केयर करने की आपको जरूरत नहीं होती। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूँ कि किस तरह से इसको हम लगा सकते हैं, कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए जब आप एलोवेरा लगाते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपना जो गमला है वो चूज़ कर लें कि कैसा गमला आपको लेना है। तो अगर हम बात करें, अगर आप बाहर लगाते हैं जैसे कि फुल सनलाइट में लगाते हैं, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप मिट्टी का गमला या जो सीमेंटेड गमला होता है वो लें, ताकि वो ख़राब ना हो तेज़ धूप से। और अगर आप जैसे कि वरामंडे वगैरह में ऐसी जगह पर लगाते हैं या जहाँ पर धूप आती हो मॉर्निंग 11 या 12 बजे तक की, तो वहाँ पर आप प्लास्टिक का गमला भी ले सकते हैं। बाकी इंडोर इसको ग्रो करें तो कहाँ पर रखें और कैसे इसकी देखभाल करें, इस पर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, वो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नंबर दो सोइल। देखिए गमला हमने ले लिया है, लेकिन गमले में जब प्लांट लगाएंगे उसके लिए हमें जो सोइल है उसकी जरूरत होगी। तो एलोवेरा क्योंकि मैंने आपको बताया सकुलेंट प्लांट है, तो इसको जो सोइल है वो हमें सकुलेंट के जैसे ही देना होगा। एक अच्छा वेल ड्रेन सोइल इसके लिए आप तैयार करें, जिसमें पानी ज़्यादा देर रुके ना, क्योंकि इसको भी जो है ऐसा सोइल पसंद नहीं है जिसमें पानी खड़ा रहे। और ऐसे सोइल अगर आप इसको देंगे तो उसमें जब पानी खड़ा रहेगा तो जो इसका प्लांट है वो सड़ जाएगा, जल्दी ख़राब हो सकता है। इसके लिए आप अगर बड़े सिटी से हैं और आपके आसपास इस तरह की चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो सैंड वगैरह नहीं है, तो आप कैक्टस सकुलेंट के लिए जो सोइल आता है वो आप ले सकते हैं किसी नर्सरी स्टोर से, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और अगर आपके पास ये कुछ चीज़ें मिल जाती है जो गार्डन से रिलेटेड है, तो आप घर पर बना सकते हैं। आज मैं जो प्लांट लगा रहा हूँ इसके अंदर मैं जो सैंड है वो यूज़ करूँगा और थोड़ा सा कंपोस्ट। तो इसके लिए मैं जो तीन पार्ट है वो सैंड के लूँगा और एक पार्ट जो है वो कंपोस्ट लूँगा। कंपोस्ट अगर आप ऐड नहीं करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ ताकि जो प्लांट है उसको थोड़ा अच्छा हेल्थी बना रहे, वो उसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे। तो अब इन सबको जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखिए सोइल आप कैसा भी ले, लेकिन सोइल आपका ऐसा होना चाहिए बिल्कुल वेल ड्रेन। अब जो सोइल मिक्स हमने तैयार किया है इसको जो है हम गमले के अंदर भर लेंगे, पूरा गमला नहीं भरेंगे, सिर्फ आधा या आधे से थोड़ा कम भर कर रखेंगे, फिर जब प्लांट लगाएंगे तब बाकी करेंगे। अब हम जो प्लांट है जो नर्सरी से हम प्लांट लेके आते हैं उसको हमें रिमूव करना होगा, यानी कि पॉलीबैग से बाहर निकालना होगा। और इसको निकालते समय भी ये ध्यान रखें कि रूट बॉल जो है वो आपकी जब पॉलीबैग से निकालें उस टाइम पर डैमेज ना हो जाए, क्योंकि इसकी जो रूट्स है बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो टूट जाती है ईजिली, मजबूत नहीं होती। तो केयरफुली एक बार रूट बॉल को बाहर निकाल ले पॉलीबैग से, उसके बाद हम इसके रूट बॉल को लूज़ करेंगे और जो सोइल है उसको निकाल देंगे, क्योंकि इस प्लांट के अंदर जो पप्स है वो भी है, यानी कि जो बेबी प्लांट है वो है, तो उनको भी हमें अलग करना है। तो इसलिए मैं इसकी कंप्लीट जो सोइल है वो हटा दूंगा। लेकिन अगर आपके प्लांट के अंदर पप्स नहीं है, आप तो ज़रूरी नहीं कि आप पूरा सोइल उसका हटाएं, आप साइडों का सोइल हटा दें, थोड़ा सा जो रूट बॉल है वो रख लें और उसको पॉट में शिफ्ट कर दें। इससे ये होगा कि आपका प्लांट जो है ईजिली सर्वाइव कर पाएगा। और आप बिगिनर है तो खासकर पूरी जो रूट बॉल है वो डैमेज ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा रूट्स जो है वो तोड़ दी तो आपका प्लांट हो सकता है अच्छे से सर्वाइव ना कर पाए। चलिए अब हम जो इसके पप्स हैं उनको डिवाइड करते हैं, उनको अलग करते हैं। जब भी आप किसी प्लांट से भी जो बेबी प्लांट्स है वो अलग करते हैं, तो कोशिश करें कि उसमें कुछ ना कुछ रूट्स आपको ज़रूर मिले, और उसको केयरफुली शार्प अलग करें, शार्प किसी चीज़ से कट करें। तो मैं जो ब्लेड है उसकी हेल्प से जो है इसको अलग करूँगा। देखिए इसके अंदर जो रूट्स है वो आपको दिख रही होगी, जो बेबी प्लांट्स है इसके अंदर रूट्स है, तो हम इन रूट्स के साथ ही इनको थोड़ा अलग करेंगे ताकि कुछ रूट्स जो है बेबी प्लांट्स के अंदर रह जाए। तो हम केयरफुली जो है ब्लेड की हेल्प से इसको कट करके निकाल लेते हैं, और इसी तरह से मैं जो ये बाकी पप्स हैं इनको भी निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए तीनों हमने अलग कर लिए, इसमें तीन बेबी प्लांट्स अच्छे थे जिनके अंदर रूट्स भी थी, तो इन तीनों को मैंने अलग कर लिया। इनको अब मैं किसी
किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगा, उसका वीडियो हम कभी फिर आपको दिखाएंगे। चलिए अब जो हमारा पौधा है इसको हम गमले में लगाते हैं। ये देखिए इसको, इसके अंदर एक जो बेबी प्लांट है वो अभी भी रह गया है। ये मैंने इसलिए इसके अंदर रहने दिया है क्योंकि इसके अंदर जो रूट्स है वो नहीं बनी है बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा इसको बाद में हम अलग करते हैं, तो इसलिए इसको छोड़ दिया है। देखिए हमने गमले में आधी मिट्टी पहले ही डाल ली थी, अब हमें क्या करना होगा, एक हाथ अगर हमारा जो प्लांट है उसको गमले में सीधा खड़ा करके रखेंगे और फिर जो बाकी सोइल है वो ऐड करते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ है ना कि प्लांट, क्योंकि इसकी जो पत्तियां मैंने बताया था हैवी होती है और जो रूट्स है वो इतनी नहीं होती है, तो इसको एक हाथ से पकड़ कर रखें, साइड से जो सोइल है वो फील करते रहें, हल्का हल्का सोइल को दबाते रहें ताकि प्लांट जो है वो खड़ा रह सके। और देखिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो प्लांट है इसकी जो पत्तियां हैं वो सोइल से टच ना हो, थोड़ी बहुत हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आपका जो सोइल है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होना चाहिए। अगर वेल ड्रेन सोइल नहीं है और पत्तियां टच होगी तो पत्तियां जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगी, तो कोशिश तो यही करें कि बिल्कुल ना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पत्तियां टच नहीं होगी तो प्लांट खड़ा कैसे रहेगा, ये प्रॉब्लम जरूर आएगी क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं यानी कि जो पत्तियां टच नहीं होने देते क्योंकि पत्तियों में वजन होता है तो प्लांट साइडों में गिरते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लांट के चारों तरफ जो है किसी चीज़ का सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे ग्रेवल ले सकते हैं, मोटा कोई पत्थर जो है वो लगा सकते हैं दोनों तीनों साइड, और कुछ दिन बाद जब ये सेट हो जाती है, रूट्स स्टार्ट हो जाती है, फिर प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाता है। तो शुरू में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो इस तरह से आप प्लांट को लगा दीजिए और बाकी सोइल ऐड करके अच्छे से हल्का हल्का दबा दीजिए। ये देखिए इस तरह से हमने प्लांट जो है वो लगा लिया है वाटरिंग। चलिए अब पौधा तो हमने लगा लिया, अब इसके अंदर पानी देते हैं। पानी देते समय भी एक चीज का ध्यान रखें कि जो जब पानी दे तो ऊपर से ना डालें, यानी कि खड़े होकर प्लांट नीचे रखकर आप खड़े होकर पानी डालेंगे तो जो मिट्टी है वो कट जाएगी, जो प्लांट है वो गिर जाएगा। तो या तो अगर आप किसी बर्तन से डाल रहे हैं तो बिल्कुल प्लांट के पास बैठ कर धीरे धीरे डालिएगा, या फिर आप जो वाटरिंग कैन है उससे डालिए ताकि जो मिट्टी है वो ना कटे। और जब आप स्टार्टिंग में पानी दे देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद तक जो है पानी ना दें उसके अंदर, जब सोइल आपका ज़्यादा ड्राई लगे आपको तभी दे, अदरवाइज रहने दें। अदरवाइज अगर आप जल्दी, जैसे कि आपने आज प्लांट लगाया कल फिर से पानी दे दिया, तो हो सकता है आपका प्लांट जो है वो सड़ना स्टार्ट हो जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कुछ दिन तक पानी अवॉइड करें। सनलाइट, देखिए अब प्लांट जो एलोवेरा है उसको हमें कहाँ रखना चाहिए, यानी कि रिपोर्टिंग के बाद जब आप रिपोर्ट करते हैं उसके बाद आपको कुछ दिन तक जो है उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट उसको पूरी अच्छे तक मिले, लेकिन जो तेज़ हीट है वो उसको ना मिले क्योंकि उससे हो सकता है प्लांट को सर्वाइव करने में थोड़ी मुश्किल हो, तो ऐसी जगह पे आप रख दें। लेकिन जब प्लांट स्टेबल हो जाता है उसके बाद आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, और आपका अगर कोई पुराना प्लांट है तो भी आप उसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। जब तेज़ हीट वाली गर्मी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे कुछ प्लांटों में प्रॉब्लम आने लगती है, जो सनबर्न है वो होने लगता है, तो उसके जब ऐसा होने लगे तो आप इसको जो है या तो अपने इंडोर ब्राइट लाइट में रख दीजिए या ऐसी जगह रखिए जहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आती हो। अगर आपने प्लांट को बरामदे में या इंडोर ऐसी जगह पर रखे हैं और आपका पौधा जो है उसकी पत्तियां जो है फ्लैट होने लगती है, थोड़ी अलसाई नीचे झुकी हुई लगती है, तो आप उसको एक दो दिन के लिए धूप में रख सकते हैं, तो आपका प्लांट फिर से अच्छा हो जाएगा। फर्टिलाइज़र, देखिए इस पौधे को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी आप इसको फर्टिलाइज़ करना चाहते हैं तो साल में सिर्फ एक बार इसको फर्टिलाइज़ कीजिए, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड कर दिया है। कंपोस्ट ज़्यादा ऐड करने से भी प्लांट के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ही कंपोस्ट ऐड कीजिए। तो दोस्तों इस तरह से जो आप एलोवेरा को गमले में लगा सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, और इसके जो पफ्स हैं उसको भी मैंने आपको डिवाइड करना बताया है, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं तो आपके जो बेबी प्लांट्स हैं वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। आपके एलोवेरा में क्या प्रॉब्लम ज़्यादा आती है मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊं या नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मोस्टली संडे को लाइव आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप आके क्वेरी जो है अपनी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।